चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। सोमवार को भी एक वीडियो ट्वीट कर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक बार फिर कई ट्वीट्स कर राहुल गांधी पर पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि हमने आज एक बार फिर आरजी रिलॉन्च प्रोजेक्ट का विफल संस्करण देखा। उन्होंने लिखा कि सालों से एक राजवंश पीएम नरेंद्र मोदी को नष्ट करने में लगा है, लेकिन उनके लिए दुख की बात है कि पीएम मोदी का 130 करोड़ भारतीयों से गहरा जुड़ाव है। नड्डा बोले कि राहुल गांधी जी हमेशा की तरह तथ्यों पर कमजोर और बदनामी करने पर मजबूत थे। दरअसल राहुल गांधी ने अपने वीडियो में आरोप लगाया है कि चीन ने नरेंद्र मोदी की छवि पर वार किया है और पीएम मोदी अपनी छवि बचाने के चक्कर में ये तक नहीं मान रहे कि चीनी आज भारतीय इलाकों में आ बैठे हैं।